हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अरबी बना रहे हैं। ग्रेवी वाली अरबी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम अरबी लेनी है। इसको अच्छी तरह धोने के बाद प्रेशर कुकर में पानी डालना है। पानी इतना डालना है जिसमें अरबी अच्छे से डिप हो जाए। एक विसल आने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और वेट को नीचे करके ही स्टीम अंदर ही रहने देंगे। जब इसकी सारी स्टीम खत्म हो जाए तो अरबी को पानी में से निकाल के ठंडा करके इसका छिलका उतार लेंगे। इसे खरीदने से पहले हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसका साइज एक जैसा होना चाहिए, या तो लंबा या तो गोल। और कई बार इनके ऊपर गांठें बनी होती है, वो वाली हम अरबी नहीं खरीदेंगे। ये देखो, इस तरह की अरबी लेंगे। अब हम इसके स्लाइसिस कर लेंगे। फिर इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे। अब एक पैन में 3-4 चम्मच सरसों के तेल को अच्छी तरह गरम कर लेंगे। सरसों के तेल में अरबी काफ़ी टेस्टी बनती है। अगर आप कोई दूसरा तेल यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करना चाहते हो तो धुआं निकलने तक इसको गरम करेंगे। फिर फ्लेम को बंद करके नॉर्मल होने तक इसको रखेंगे। उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे। फ्लेम को ऑन करके 1 टीस्पून साबुत राई, 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। दो हरी मिर्च को लंबा काट के इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, फिर 2 मीडियम साइज्ड प्याज लेके ग्राइंड करके इसमें डालेंगे। वन टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब 2 मिनट के लिए इसको लिड लगा के कुक करेंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। फिर एक टमाटर को कद्दूकस करके इसमें डाल के तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे और फिर उसके बाद लिड लगा के 2 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। अब मसाले ने तेल को छोड़ दिया। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर लेंगे। अब मसाला अच्छी तरह कुक हो चुका है। इसमें 1 गिलास पानी और अरबी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर अरबी को लिड लगा के कुक करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। लगभग 5-7 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर कुक करने के बाद चेक कर लेते हैं। अब अरबी को सर्विंग बोल में डाल के हरे धनिया के साथ गार्निश करके ही सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।